हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था आप उसको कि आपको मैं जिस जगह पे काम करता हूँ उसे सैलून दिखाया जाए। तो आज पर्सनली मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। फ्री बैठे थे क्योंकि ऐसे बोर हो रहे थे कि सोचा कि ब्लॉग ही बना ले, आप सभी को सैलून भी दिखा दूँ। काफ़ी अच्छा सैलून है गाइज़, आप इंटीरियर देखिएगा अच्छे से ध्यान से। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहा हूँ, तो थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही है, शाई फील हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है मेरे को। तो कोई भी गलती हो जाए या कुछ ऊपर नीचे हो जाए या बोल दूँ तो प्लीज़ दोस्तों मुझे माफ़ कर देना यार। चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बाहर का इंटीरियर दिखाऊंगा सैलून का। तो चलिए गाइस, गर्मी काफ़ी हो चुकी है दोस्तों। गाइस ये तो बाहर का इंटीरियर है जहाँ हम आ गए हैं। बाहर से ऐसी दिखती है अपनी दुकान, स्ट्रोम एयर शूज के नाम से। चलिए चलते हैं अंदर, आपको अंदर से और दिखाते हैं। बाहर टॉवल सूख रहे हैं धूप में, क्या है कि काम करते हैं अंदर तो गीले हो जाते हैं, बाहर ड्राई हो जाते हैं जल्दी। धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि 10 मिनट में ड्राई हो जाते हैं। यहाँ पर गाइस ये वेटिंग रूम है अपना, यहाँ पर क्लाइंट आते हैं, वेट करते हैं। और क्लाइंट के लिए बोर ना हो LED की, और भाई ने वाईफाई का भी काम करवा रखा है यहाँ पे, सुविधा बढ़िया प्रॉपर दे रखी है क्लाइंट, ताकि बोर ना हो तो ताकि फ़ोन चला ले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीरियर स्टार्ट हो गया है अपना सैलून का। और गाइस ये मनी प्लांट है जो कि पॉजिटिव वाइब आती है इसे देखने के बाद, अच्छा फील होता है काफ़ी। और 3 चेयर का सेटअप है गाइस। चलते हैं गाइस सीधा, आपको मैं बताता हूँ कि पहले शैम्पू स्टेशन आ गया है अपना, यहाँ पे क्लाइंट का हेयर वॉश होता है। हेयर वॉश होने के बाद सीधा इस चेयर पे बिठाया जाता है और ड्रायर व्रायर करके सुखा के बाल को काम स्टार्ट करते हैं गाइस। कोई भी क्लाइंट आता है तब इसी पे काम करता हूँ मैं। इस पे क्यों काम करता हूँ, क्योंकि जो भी औजार हैं यहाँ पे सेट हो रखे हैं, हाथ में ड्रायर व्रायर जो भी पड़े हैं, वाटर स्प्रे मशीनें ट्रिमर जो भी है, सीजर वगैरह फटाक से निकाल लेता हूँ। इस पर हाथ जच रहा है, स्ट्रोल भी मेरा बिल्कुल ही। और इस साइड अपना ऊपर का ये प्रोडक्ट जो भी हो गए, केमिकल वर्क, फेस वर्क, सभी प्रोडक्ट पड़े हैं। केराटिन हो गया, बोटॉक्स मास्क, हेयर स्पा का है। ये हेयर स्पा क्या होता है गाइस कि अपने बालों को हेल्थी रखता है, ड्राइनेस से दूर रखता है, मॉइस्चराइजिंग देता है बालों को और शाइन बना रहता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है हेयर स्पा करवाने के बाद। और ये मशीन है हेयर स्पा गाइस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इतनी देर से। इसे ऑन करने के बाद इसमें से काफ़ी स्मोक निकलता है जिसे हम भाप बोलते हैं, वो क्लाइंट के स्कैल्प पे जाती है और केमिकल अपना काम करना स्टार्ट करता है गाइस। रूट्स में अच्छे तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है केमिकल। ये अपना सोने का बूफर, काफ़ी ख़तरनाक बेस आती है गाइस जब बजता है ये, बहुत ही अच्छा होम थिएटर है। और ये इसके टूटर्स लगे हुए हैं हर एक कोने में, दो इस तरफ लगे हुए हैं एरा, एक एक एरा और दो इस तरफ लगे हैं, एक एरा और मैन में ऐसे लगा दिया है। ये इस तरफ का एरिया आप देख सकते हैं। और ये अपना मेन वॉलपेपर है फ्रंट का, आपको बैक जाके दिखाता हूँ प्रॉपर फुली। देखो गाइस ऊपर फॉल्स लिंक करवा रखे हैं, काफ़ी बेहद खूबसूरत लग रही है दोस्तों दुकान, काफ़ी अच्छी है। गाइस इस छोटे से ब्लॉग में मैंने आपको जो कुछ भी बातें मैं शेयर कर पाया आपसे वो मैंने बता दी है। और थ्रेड वगैरह जिसको चलाने नहीं आती उसके बारे में भी प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। जो केमिकल वर्क हो गए, केराटिन रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग वगैरह जो कुछ भी, हर एक के ऊपर फुल वीडियोस लेके आया करूँगा गाइस मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप। और दूसरा ये कि जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ट्यूसडे के बाद डेली कंटिन्यू वीडियोस डाला करूँगा सैलून से रिलेटेड।